श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवों के ऊपर में कृपा करने के लिए उन्होंने पूरा धाम और परिकरों को साथ में इस जगत में आए और पूरा के पूरा गोलोक वृंदावन को यहाँ पर उन्होंने उठा दिया। बोले क्यों? बोले अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार का वो बड़े दुर्लभ प्रेम को प्रदान करना चाहता है। अत्यंत दुर्लभ बोले थोड़े मोड़े दुर्लभ नहीं, बहुत दुर्लभ है। जिसका श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं शिव विरिंचिर बांछित जे प्रेम जगते फैल ढाली कांगाले पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करता। इसका मतलब है कभी जो प्रेम को पाने के लिए शंकर भी तरसते हैं, इसलिए शंकर जी गोपी बन करके आए प्रभु की रास दर्शन करने के, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए, उनको वहाँ से निकाल दिया गोपियों ने और वहाँ की चौकीदार बना दी। ब्रह्मा भी कहते कि ब्रह्म कुंड है, वहाँ पर भी ब्रह्मा जी कठोर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछा, बोले पिताजी आप 60,000 साल तपस्या आपने क्यों की? बोले जिस गोपियों की प्रेम को पाने के लिए, बोले इन गोपियों की प्रेम को पाने के लिए आपने क्यों तपस्या की? बोले ये बेटा ये गोपियाँ कोई लड़की नहीं है, कहती ये राधा रानी के सबके सब कायब भी है, राधा रानी की ये कायब भी है, गोपियाँ कोई स्त्री नहीं है, इनकी प्रेम बड़ा दुर्लभ है, इसलिए मेरे को 60,000 साल तपस्या करना पड़ा। नारद जी कहते नारद ये कुंड है गिरिराज तलेटी में, उन्होंने जब श्री शंकर जी से अष्टकालीय लीलाओं को श्रवण की, बोले वो लीला में जीव का प्रवेश कैसे होगा? तब बोले जब वृंदा देवी की शरण में जाओ। जब वृंदा देवी की शरण में आए, वृंदा देवी ने कहा जब तक श्री गिरिराज गोवर्धन की कृपा नहीं होएगा तब तक जीव को ये प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए नारद जी कितने 1,000 साल तक गिरिराज तलेटी में कठोर तपस्या किया है। इसलिए जो प्रेम को पाने के लिए शंकर जी नंदीश्वर पर्वत रूप में प्रकट हुए, शंकर जी और श्री ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर बरसना रूप में ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए और उद्धव जी गिरिराज तलेटी में तीर्ण गुलमल औषधि नाम, उन्होंने गुलमल लता और औषधि उन्होंने तीन चीज को प्राप्त, उन्होंने प्रार्थना की वहाँ पर मैं घास बन जाऊँ। बोले घास क्यों बनना चाहते हो? बोले गोपियाँ जब चल करके जाएंगी तो घास बने रहेंगे तो कम से कम उनका चरण का धूल तो बढ़ जाए। बोले वहाँ पर हम लता बता होना चाहते। बोले लता बता क्यों होना चाहते हो? कृष्ण जब कुंजों कुंजों में लीला करेंगे कम से कम लता बता बने रहेंगे तो दर्शन हो जाएगा। बोले वहाँ के औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले अगर कभी बीमारी में पड़े कभी दवा लिए हृदय में चला जाऊँ। इसलिए वो दुर्लभ प्रेम को पाने के लिए कहते ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव भी वो दुर्लभ प्रेम के लिए तरसते हैं। इसलिए कहते हैं बोले अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान, वो जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम को वो दान करने के लिए उन्होंने क्या सिखाया? बोले सिखाए शरणागति भक्त का। अगर वो दुर्लभ प्रेम को पाना चाहते हो पहले पहले ये शरणागति को सीखो, फिर उसको बाद में वो प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए शरणागति कितने तरह के हैं? बोले 6 तरह का ये शरणागति। जैसे ये बिल्डिंग बनाओगे लेकिन उसका नींव जितना मजबूत होएगा ना उसको ऊपर में इतना मंजिली बिल्डिंग बना सकते हो। अगर नींव अगर मजबूत नहीं हो फिर तो ज़्यादा अगर बना दिया तो धस जाएगी, इसलिए उसका नींव पहले ठोस होनी चाहिए। कहते उसी तरह भक्ति जगत में जो शरणागति है, कहते ये 6 तरह का ये शरणागति है, पहले ये पूरा ठोस होनी चाहिए फिर तो आगे भक्ति हमारी आगे आगे बढ़ सकती है। अगर ये ठोस नहीं होगी हम भक्ति में फिर स्ट्रांग नहीं हो सकते। कहते 6 तरह का शरणागति क्या क्या है? तो पहला नंबर है दैन्य। दैन्य मतलब होता है दीनता, दीनता मतलब होता है हम सबसे छोटे हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलेव दास दास दासान दास, कहते हैं महाप्रभु
कितना अहम विप्र, कहते हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय नहीं, हम वैश्य नहीं, हम शूद्र नहीं, फिर तुम कौन हो? कहते किंतु प्रद्युम्न निखिल परमानंद मृताभे, कहते गोपी भर तु पद कमलो दास दास दासानुदास। अभी कथा ही सुन लो, इसलिए कहते हैं हम श्री कहते भगवान कहते भगवान की जो प्रिय सखी जो गोपियां हैं, कहते उनका दासों का दासों का दासों का दासों का हम दास है। कहते ये भावना रहनी चाहिए, हम जगत में सबसे हम ही छोटे और हमसे सबके सब सबके सब बड़े हैं। इसलिए ये पहले हम अंदर में ये दीनता आनी चाहिए, जिसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम शरणागति, ग्रंथ का नाम ही शरणागति है। शरणागति में उन्होंने दैन्य दीनता जो कहते हैं है? जो दीनता कहते हैं यदि ये उसको ऊपर उन्होंने बहुत सारे कीर्तन भी लिखे, दीनता का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कहते हैं भूलिया तो मारे संसार आसिया पे नाना विधव्यता तुम्हार चरणी आसिया चिया मी बोली बदू फेरकता। इसमें ये बता रहे हैं भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विधव्यता, बोल गए प्रभु हम अनादिकाल से आपको भूल करके ये संसार में आकर के बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। इसलिए बोले जननी जठरी छिलाम जखन विषम बंधन पासे, जब हम मैया की पेट में हम थे हैं, कहते टाटी पेशाब खून पी उसका अंदर में यही और कुछ है नहीं। इसलिए भगवान कपिलदेव अपना माँ को कहते बोले माँ पेट में आना और नरक में आना बराबर है, पेट में आना नरक में आना बराबर है हैं। इसलिए एक आपका अगर अभी तो बाथरूम बाथरूम से बढ़िया हो गया, पहले जैसे बाथरूम होता था, पहले जब से पायखाना घर होता इतना छोटा सा और किस अवस्था था, अगर उसके अंदर अगर 2 घंटा किसको दरवाजा बंद कर रखे तो है उसका क्या अवस्था होगा। कहते पेट के अंदर में क्या है, कहते जैसे उदाहरण देते हैं एक व्यक्ति के ऊपर एक पतला कपड़ा ढक दो और उसके ऊपर टाटी पेशाब डाल दो कैसे लगेगा, कहते पेट ठीक पेट में वैसे ही है, एक पतला कवर से ढका हुआ रहता है और पेट में क्या खून पीक हाँ टाटी पेशाब केवल उसके अंदर में, हम उसके अंदर में रहते हैं। इसलिए कहते भगवान पुकारता है प्रभु जब हम गर्भ में थे 1000 जन्म की बात याद आया, भगवान को पुकारे प्रभु मैंने क्या पाप कर्म किया था नरक में आ गया मेरे को निकाल, ठाकुर दर्शन दी फिर बताओ अभी क्या करो, मैं अभी तो जन्म लेकर फिर भजन करूँगा भक्ति करूँगा, लेकिन इसी जगत में जन्म होती सब भूल गए फिर संसार में फिर माया के बंधन में फिर जीव फंस गए। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रभु हमने इस संसार समुद्र में गिर गए और बड़े दुख कष्ट यहाँ पर उठा रहे हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ये जितने दुख कष्ट को जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए प्रभु हमें कृपा करके अपना चरण में हमें स्थान दे दो। कहते इसको कहते ये दैन्य, मतलब हम बड़े दीनहीन हैं, हम बड़े दीनहीन हैं। उसके बाद में बोले आत्मनिवेदन, दूसरी शरणागति है, आत्मनिवेदन मतलब होता है संपूर्ण रूप में भगवान का शरण में चल लेना, उनके चरण में अपने आप संपूर्ण दे देना। कहते वो चीज को अपना जीवन में कैसे उतारेंगे, फिर भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन लिखते हैं बोले आत्मनिवेदन द्वापद करी आइनो परम सुखी दुख दूरे गेला चिंता न रहिला चौदिगे आनंद देखी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले हे प्रभु आपके चरण में हमने आत्मनिवेदन मतलब शरणागति तुम्हारे शरण में हो गया है, इसलिए अभी तुम्हारी शरण में जो हम शरणागति हो गए हैं आज हम बड़े प्रसन्न हो गए बड़े खुश हो गए। बोले क्यों, अब चारों तरफ में आनंद ही आनंद ही हमें दिखता है, बोले क्यों आपका शरण में आ गए ना, आपका चरण में आ गए चौधरी के आनंद देखी चारों तरफ आनंद ही आनंद। बोले क्यों आनंद इतने,
अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण दोय, ताहाते खना विश्राम लभिया छाड़ीनो भव। कहते हैं आपका चरण में तीन चीज है। कहते हैं कि अशोक, यहाँ पर कोई दुख नहीं, अभय, जहाँ पर कोई डर नहीं, और अमृत, और तुम्हारे चरण में अमृत, और तुम्हारे चरण में ये तीन चीज तुम्हारे चरण में। इसलिए तहात एकान विश्राम लभिया, जब आपका चरण में आ गए छाड़ी नो भवेर भाई, अभी हम संसार का कोई दुख कष्ट नहीं, संसार का कोई दुख कष्ट नहीं। भव मतलब होता है जन्म मृत्यु ये जितने भी है, इसलिए मरना जन्म मृत्यु के चक्कर में काटना, इसलिए कहते अभी हमारा कोई डर भय नहीं। क्यों? आपका शरण में आ गया। सारा दुनिया मरने के लिए डरते हैं। बोले क्यों मरने के लिए डरते हैं? कहते मरते समय जब एक बिच्छू अगर किसी को काटे ना, उसको सहन करना बड़ा कठिन। कहते 10,000 बिच्छू अगर एक साथ में किसी व्यक्ति को काटता है, उसमें जितने दुख, मरते समय उतना कष्ट होता है। इसलिए हम मरने का नाम सुन के घबराते, नहीं, हम मरना नहीं चाहते। बोले क्यों? तो इतने कष्ट होता है मरते समय। लेकिन इसमें कहते छाड़ी नु भवेर भय, कहते प्रभु वो भय हमारी खत्म हो गई। बोले क्यों खत्म हो गई? शास्त्र ने बताया सारा दुनिया मरने के लिए डरते हैं, लेकिन भगवान का भक्त को दुनिया मृत्यु को डरते हैं, लेकिन मृत्यु भक्त को डरता है, मृत्यु भक्त को डरता है। बोले क्यों भक्त को डरता है? बोले सारा दिन भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं ना, इसलिए ये काल से वो अतीत चले जाते हैं। काल की काल भगवान ही, इसलिए बोले विष्णु दास हाँ को काल चक्र डराए देखिया, विष्णु दास जो काल चक्र है भक्तों को डर डरता है, भगवान की भक्ति भजन में करते रहते हैं। इसलिए कहते तुम्हार संसारी करीब सेवन नहीं वह फले रबारी, तब सुख जाहे करीब जतना होए पदे अनुरागी। अब उसमें उदाहरण देते हैं, हम कहते हैं आज से हम तुम्हारा बन गए, लेकिन केवल मुंह से तो बोलने पर नहीं होगा ना, केवल उसको मुंह से तो बोलने पर नहीं होगा हम तुम्हारे बने तुम्हारे बने। अभी दिखाना पड़ेगा हम तुम करते हो क्या उनके लिए, उनके लिए करते हो क्या, करोगे नहीं उनके लिए कुछ, उल्टा पुल्टा करते रहोगे। अब बोलोगे हम भगवान का शरण में आ गए, नहीं। कहते उसको जीवन में कैसे उतारेंगे? कहते तुम्हारे संसारे करीब सेवन नहीं वह फले रभागी। कहते ये जो संसार है किसका संसार है? बोले तुम्हारी तुम्हारी संसार है, तुमने ही ये संसार हमें दिया है। इसलिए जो कुछ पैसा कमाएंगे, बोले क्यों कमा रहे हो? बोले तेरी सेवा के लिए। रोसे क्यों बनाते हो? बोले भगवान के भोग लगेगा। मंदिर क्यों साफ करते हो? भगवान के दरबार है। अपना स्नान क्यों करते हो? बोले गंदे शरीर में ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे? शरीर पवित्र होगा तभी तो शरीर से सेवा कर सकते हैं ना। इसलिए कहते तब सुख जाहे करीब जतन होए पदे अनुरागी। हमारे जितने सारे चेष्टाएं किसके लिए होनी चाहिए? किसके लिए होनी चाहिए? तब सुख, कैसे तुम्हें हम कैसे सुखी कर सकते हैं? हमारी जितने चेष्टा केवल ठाकुर जी की प्रीति के लिए होनी चाहिए, केवल उन्हीं की सुख के लिए होनी चाहिए, दुनियादारी के व्यक्ति के सुख के लिए नहीं। फिर तो उसका आत्मनिवेदन नहीं कहते हैं। कहते तुम्हार सेवाए दुख है जत सेवत परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय विद्या दुख। उसमें कहते हैं ना संसार में लोग कितने दुख कष्ट उठाते हैं, संसार में तरह तरह का दुख कष्ट है संसार में। कहते एक संसार के व्यक्ति को देखो, वो भी संसार में बड़े दुख कष्ट उठाता है, एक भक्त का जीवन में भी कभी कभी दुख कष्ट आता है। तब तो उसको उदाहरण देते हैं, कहते उसका दुख कष्ट और जो भक्तों के धर्म में दुख कष्ट, ये क्या बराबर भी नहीं? कहते बराबर नहीं। कहते संसार एक व्यक्ति जो दुनियादारी के लिए करता है, वो दुख कष्ट का परिणाम और भी दुख कष्ट है, और भी ज्यादा ही दुख है। लेकिन भक्तों का जो दुख कष्ट है ना, वो दुख नहीं, कहते तो सुख का कारण है। जैसे हम भक्त जो कुछ करता है ठाकुर की सेवा मान कर करता है, ठाकुर जी की भक्ति मान कर करता है। इसलिए कहते तुम्हार सेवाए दुख है, तो
अगर भगवान की सेवा के लिए हम कुछ करने के लिए जाते हैं, अगर उसमें दुख आता है, तो उसमें जो दुख और जो सुख है वो परम संपद है। और परम सुख का कारण बोले क्यों, भले हम ठाकुर के लिए, जैसे तुम्हारा परिवार भक्त का परिवार है, तुम्हारे परिवार भक्त का परिवार है, अगर इसमें कहीं थोड़ा बहुत झामला इधर उधर आता है, वो जो जो समस्या को वो जो जीवन में कटा बिताता है, लेकिन कहते ये किसी के लिए, बोले ठाकुर का सेवा के लिए। ये घर तुम्हारी घर, ये परिवार तुम्हारा ही परिवार है, हम सब कुछ तुम्हारी सेवा के लिए करते हैं, अगर उसमें कोई दुख कष्ट आएगा तो फिर ये घर का मालिक ठाकुर जी ये बैठे, घर का मालिक है, हैं घर का मालिक ये बैठे हैं, अगर इनकी सेवा के लिए कोई दुख कष्ट अगर कर रहे हैं वो ठाकुर से देख रहे, वो तो ठाकुर से देख रहे, देखो मेरे सेवा के लिए जो कुछ करते हैं, मेरे सेवा के लिए करते हैं, मेरी सेवा के लिए करते, देखो मेरे लिए कितने कष्ट कर रहे हैं, ठाकुर क्या देख नहीं रहे, वो ठाकुर सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि वो मेरे सेवा के लिए सब कुछ कर रहा है। तो इसका जो दुख कष्ट है यदि ये परम संपद, ये परम संपद मतलब होता है धन धन है, क्योंकि हम कष्ट ठाकुर की सेवा के लिए कष्ट कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए कष्ट कर रहे, वो बैठे बैठे देख रहे हैं, देखो मेरे सेवा के लिए ये कितने भाग दौड़ इधर उधर 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 कर रहे हैं। जैसे आपके लिए कोई अगर कोई थोड़ी सी कोई कष्ट करते आप खुश नहीं हो जाते हो, मेरे लिए तुम इतना कष्ट उठाया, मेरे लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, वो ठाकुर क्या देख नहीं रहे, मेरे सेवा के लिए देखो दिन भर लगे हुए, मेरे सेवा के लिए मेरे भक्तों का सेवा के लिए ठाकुर क्या नहीं देख रहे। इसलिए कहते उसका जो जीवन में सुख दुख है परम संपद और सुख का कारण, इसलिए इसके लिए हमें दुख नहीं होनी चाहिए, हम क्योंकि हम भगवान की सेवा के लिए ही सारे काम कर रहे हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ताबर कितने आनंद डूबिया तुम्हार सेवार तरे, सब चेष्टा करे तब इच्छा मत था किया तुम्हार करे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते बोले हे प्रभु तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुम्हारी घर में रह करके हम केवल तुम्हारी सेवा के लिए सारे चेष्टा हम तुम्हारी सेवा के लिए हम करेंगे। इसलिए कहते यहाँ पर आत्मनिवेदन मतलब होता है जब हम ठाकुर जी का आत्मनिवेदन कर दिया। एक उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति ने किसी को गैया बेच दी, तो गैया बेच देता है, अभी आप देखना अभी गैया की अपना अस्तित्व तो नहीं, मालिक अगर खिलाएगा तो वो खाएगी, अगर खूंटा में अगर बांध देंगे तो वही बंदी बन जाएगी और कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो अभी इसका हो गया ना, अभी वो जो करेगा खिलाएगा तो खाएगी, बांध कर तो रखेगी, घुमाने ले जाएगी तो घूमने के ले जाएगी, मारेगा तो मार भी सहेगी, सब कुछ ये उसके लिए सब कुछ सहना पड़ता है। तो उसी तरह जब हम ठाकुर जी के चरण में हमने आत्मनिवेदन कर दिया है, आत्मनिवेदन कर दिया, अभी अपना कोई अस्तित्व हमारी नहीं रहनी चाहिए, हमारी अभी कुछ नहीं है, अभी हम ठाकुर जी के बन गए, गुरु जी के बन गए, अभी हम जो कुछ करेंगे हम ठाकुर जी की सेवा के लिए ही सारे काम करेंगे, इनकी सेवा के बगैर और कोई भी काम हम नहीं करेंगे, इनकी जो सुख में वो काम करेंगे हैं, इसलिए इनको दुख में दुखी, इनके सुख में हम सुखी रहेंगे, अपना कोई अपनी अस्तित्व नहीं रहनी चाहिए, इसको कहते हैं ये आत्मनिवेदन। इसलिए दैना आत्मनिवेदन। और जो तीसरा जो होता है कहते गोपतृत्व वर्णन, गोपतृत्व मतलब होता है पालन करता है, कहते केवल कृष्ण ही हमको पालन करने वाले, केवल कृष्ण ही है और कोई हमारी पालन नहीं कर सकते हैं। इसमें भी एक भजन आता है, भजन हम बोल उसमें आता है एक भजन आता है, भजन कल सुनाएंगे। हाँ, आत्मनि गुप्तृत्व वर्णन मतलब क्या होता है, भगवान हमको पालन करने वाले ठाकुर और कोई हमें पालन करने वाले नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं कहते श्रीवास पंडित, कहते वो लोग चार भाई थे और उनके चार पत्नियां बच्चे भी थे, लेकिन वो दिन रात क्या करते थे, ठाकुर को घर में अपना घर में बैठे करके मृदंग और मदिरा लेकर के सारा दिन केवल प्रभु का कीर्तन करते, सारा दिन प्रभु कीर्तन करते थे। एक दिन महाप्रभु उनके घर में आए, आकर के बोले तुम्हारी इतना बड़ा परिवार,
तो कोई काम धाम नहीं करते हो और दिन भर ये मृदंग करताल बजरा लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे क्या शिव कीर्तन कर रहे हो तुम्हारी इतना बड़ा संसार पलेगा कैसे? तो उनने तीन ताली बजा दी। बोले तीन ताली क्यों बजा रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ संसार पर चलेगा कैसे और तुम ताली बजाते? बोले प्रभु आप ही तो भगवत गीता में प्रतिज्ञा की है ना। बोले अन्न चिंतन तमाम जे जनाहा पर उपासते तेसांग नित्याभिजुक्ता नाम जो अक्षयम बहाम। आपने बताया ना जो व्यक्ति अनन्य, अनन्य मतलब होता है ना अन्य और किसी देवादेवी नहीं, केवल मेरे भक्ति मेरे चिंता में ही जो डूबे रहता है, जिसको कृष्ण कहते हैं मन मना भव, मन को और किसी को नहीं, मन केवल मुझे दिया, मत भक्त भव जो केवल मेरा ही भक्त भक्त है, माम जाजी जो केवल मेरी पूजा करते हैं, बोले नाम नमस्कुरु जो केवल मुझे ही नमस्कार करते हैं, सब कुछ जो मेरे लिए जो दिए हैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको घर में जो चीज़ नहीं मैं सर पर रख कर घर में पहुँचाता हूँ और जो चीज़ घर में है मैं उसके चौकीदार बन करके उसको मैं पाल स्वयं रखवाली करता हूँ। अब तो गीता में ये बात बताए ना, जो आप जब गीता में बात प्रतिज्ञा की है तुम्हारे जो भजन करेगा आप उनके लिए सब कुछ करेंगे, इसलिए हम तो वही कर रहे हैं, तेरे आधे से बाल न कर रहे हैं, तेरे आधे से बाल न कर रहे। बोले तुमने फिर ये तीन ताली क्यों बजाए? बोले तेरे बात को विश्वास करते हुए एक दिन तेरे हरिनाम कीर्तन भजन करते हुए देख लेंगे मेरे घर में कुछ खाना पीना आता है कि नहीं। बोले दूसरी ताली क्यों बजाए? बोले दूसरे दिन भी देख लेंगे कुछ आता है कि नहीं। बोले तीसरे ताली क्यों बजाए? बोले तीन दिन भी देखेंगे कुछ आता है कि नहीं, अगर कुछ नहीं आएगा फिर हम सोचेंगे भगवान से झूठ मूठ के सो प्रतिज्ञा सब बेकार बात, फिर तो हम गले में कलसी बांध कर के पत्थर बांध कर गंगा में डूब गए। महाप्रभु इतनी प्रसन्न इतने खुश हो गए, उसको पीठ पर उन्होंने हाथ थपथपाए, बोले तेरे को हम वरदान देते हैं भले लक्ष्मी को कभी घर घर में भिक्षा मांगने पड़ जाए लेकिन तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। भगवान इतने प्रसन्न उसको प्रभु, बोले मैं जो कुछ बताया वह सही, जब हनुमान जी शंकर जी माता देवी इनको पास में जो मांगते हैं इनको दे देते हैं ना, कहाँ से कोई कमाई करते जाकर कोई कमाई करते जाकर के कहते केवल भगवान की भक्ति के बल पर। शंकर जी दिन रात भगवान की भक्ति में डूबे हुए, माँ पार्वती दिन रात प्रभु का भजन करती हैं, हनुमान जी भी प्रभु का भजन करती रहती हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं। हनुमान जी कहते सुमेरी पवन सुत पावन नाम आप न बस करे रखे राम। शंकर जी बोले महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुकति है तू देशा। पार्वती कहते पार्वती कहते वो भी भगवान के नाम हर समय में प्रभु का नाम जप करती है पार्वती, केवल भगवान के नाम के बल पर ये सारा दुनिया को ये पालन कर रहे सारे जितने देवादेवी ठाकुर का नाम पर। इसलिए उसके लिए दो कथा थी, भगवान को भक्ति करने पर कैसे भगवान सर पर लेकर पहुंचाते हैं। कहते उड़ीसा में ही कोई एक अर्जुन मिश्र था, मिश्र ब्राह्मण है, पति पत्नी तीन भर प्रभु की भक्ति, पहले ब्राह्मण लोग भिक्षा के द्वारा अपना जीविका निर्वाह करते थे। एक दिन वो गीता पढ़ रहा था, गीता पढ़ते पढ़ते उनको ये श्लोक मिला, भगवान कहते हैं जो अनन्य रूप में मेरी भक्ति करते हैं उसके लिए मैं सर पर रख कर पहुँचाता हूँ। उसके मन में शंका आ गई, भगवान का इतना दास दासी जिनकी केवल एक इशारा में ही विश्व में सृष्टि सिद्धि प्रलय हो जाए और उनको खुद को पहुंचने का क्या जरूरत है,
उनको इच्छा करने पर भक्त ही पहुंचा देगा और इच्छा करने पर अपने आप पहुंच जाएगी। फिर उनको सर पर रख करके पहुंच जाने का क्या जरूरत है। उस श्लोक में लिखा हुआ था बहामी अहम, बहामी मतलब होता है मैं सर पर ले करके बहन करता हूँ, दे करके आता हूँ। लेकिन उन्होंने इसको काट दिया, उसमें लिख दिया ददाम्यहम, कहते मैं स्वयं सर पर नहीं लेता करता हूँ, ददामी मैं किसी दूसरे को द्वारा दिलवा देता हूँ। भगवान ने कहा अभी इसको विश्वास नहीं, मैं सचमुच से जाकर देता हूँ। अभी वो भिक्षा मांगने के लिए गया, आज भगवान ऐसे माया फिराए ना कोई भी उसको घर में भिक्षा नहीं, और दुखी दुखी हो गया। इधर कृष्ण बलराम दोनों छोटे बालक रूप धारण करते हुए अपना सर पर टोकरी में दाल चावल घी तेल मसाला भर करके लेकर के पहुंच गए घर में। घर में पत्नी थी, पत्नी थी तो बोले आज इतने सारे सामान किसने भेजा। बोले अर्जुन मिश्रा ने आपको पति ने, बोले हमारे घर में पहुंचा दो। उन्होंने पेन में गीता काट दिया, गीता स्वयं कृष्ण, गीता काट दिया तो वो जो कलम में काट दिया ना, देखा भगवान के छाती के ऊपर में कृष्ण का एक लाल दाग बना हुआ। बोले ये क्या है। बोले अर्जुन मिश्र ने हमारे सर के ऊपर इतना बोझ दे दिया, हम ढो नहीं पाए तो हमको मारा उसने। बोले तो ऐसे नहीं, तो बड़े दयाल हुए। बोले ठीक है उनका आने तो मैं दिखता हूँ, इतने छोटे बच्चों को मारे कैसे। मतलब है कृष्ण ये बताना चाहते हैं उनको मेरे प्रति विश्वास नहीं, इसलिए काट दिया ना। गीता कृष्ण है, काट दिया मतलब मेरे को मारे है, इसलिए गीता में दाग लगाया। लेकिन दाग आ गया भगवान की छाती के ऊपर में। बोले तुम बैठो उनको देखते हैं, उनको आने दो पास, वो थोड़ा नाश्ता तुम्हारे लिए बनाता हूँ। ठाकुर तो वही अंतर्ध्यान कहीं हो गए, वो नाश्ता बना रही है। जब अर्जुन मिश्रा आए, पत्नी तो बड़ी बिगड़ते हुए आई। बोले तुमने इतने छोटे बच्चों को सर पर इतने सारे बोझा दे दिया और तुमने धो नहीं भाई, तुमने मारे कैसे बच्चों को। बोले भैया कौन सा बच्चा, आज तक हमें कहीं भी भिक्षा नहीं मिला। बोले भिक्षा नहीं मिला, आप इतने सारे सामान भेज दिया ना, वो बड़े दिन तक तो आपको भिक्षा की जरूरत नहीं। बोले तू क्या बता रहे हो। बोले कौन थे। बोले दो बालक थे, उनका नाम पूछा। बोले कन्हुआ और बलुआ ऐसे नाम बोल कर गए, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के। बोले कहाँ। बोले चलो दिखाता हूँ। आकर दिखा कोई नहीं। बोले तो समझ गए स्वयं ये ठाकुर जी आए थे, ये ठाकुर जी आए थे। अरे उनको याद आया, अरे हमने गीता का श्लोकों को काट दिया ना ठाकुर जी, इसकी प्रमाण को दिखाने के लिए नहीं, मैं भक्तों के घर में सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, इसलिए ठाकुर जी ये काम कर। यहाँ प्रश्न होता है भगवान दूसरों को द्वारा क्यों नहीं दिलवाते, स्वयं अपना सर पर क्यों पहुंचाते। उसका एक कारण बताए, जैसे आपका ये बेटा है, हैं बेटा वो सो गया, जब सो गया आपको पता होगा बच्चे जब बचपन में अगर एक बार सो जाए ना, जैसे मैया ने बढ़िया बढ़िया खाना बनाया लेकिन बेटा खेल कूद अगर सो गया, लेकिन घर में एक नौकरानी है, अगर मैया अगर नौकरानी को बोल देगी तो बच्चों को खिला दे, मैया की संतोष मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा। उनको पता है मेरा बेटा कितने खाता है, और एक बार अगर बेटा सो जाए ना उसको उठा कर खिलाना इतना आसानी बात नहीं है, आसानी बात नहीं। सो गया वो भूखा सो जाएगा लेकिन खाना नहीं खाता है। फिर माँ को पता बेटा क्या खाता है और कितना खाना पूरे पेट भरता है, अगर नौकरानी को बोल देगा तुम खिला दे, लेकिन मैया की मान नहीं मानेगी, जब तो खुद वो अपना हाथों से उसको उठा कर नहीं खिलाती। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपना भक्तों को इतने प्यार करता हूँ, कहते इतने प्यार करता हूँ, जब तक मैं स्वयं अपना हाथों से उसको खिला नहीं देता हूँ तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ती। इसलिए भगवान कहते ददामी हम, नहीं मैं बहामी हम, मैं स्वयं बहन करके पहुंचाता हूँ। इसलिए कहते उसका चौकीदार बनता हूँ, भगवान कहते उसकी चौकीदार बनता हूँ, वो चीज को रखवाली करता हूँ। उसके लिए उदाहरण दिया है कहते गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते गोस्वामी तुलसीदास की एक छोटी सी झोपड़ी थी, उनके पास में कुछ नहीं, कमंडल और एक कंबल। एक दिन दो चोर वहां चोरी करने के लिए आए, आए तो इतने में वो चोर देख रहे हैं दो धनुष बाण लिए हुए श्याम गौर रंग के पीताम्बर और नीलाम्बर पहने हुए हैं, दो सुंदर जवान सारा शरीर में अलंकार से भूषित है, और वो जो झोपड़ी को चारों तरफ में पहरा दारी कर रहे हैं। वाह बाबा को तो बड़ी सुंदर चेले हैं,
देखता हूँ इतने सारे अलंकार, हीरे जवाहरात, अब बढ़िया होगा जब सो जाएंगे ना, अब सब लूट कर ले जाएंगे। लेकिन वो दो बच्चे रात भर उनकी झोपड़ी की पहरादार देते रहे, रात भर सोए नहीं। चोर तो देख देख कर सोच रहे थे कब सो जाए कब सो जाए, हाँ हम चोरी करेंगे, रात भर सोए नहीं। जब सोए नहीं सवेरे होते चोर भाग गए, लेकिन भगवान को तो दर्शन किया बड़े सुंदर है, उनका जी नहीं भरा। वाह तो सुंदर, बड़े सुंदर बालक थे, चलो और एक बार दर्शन करके आते हैं उनको, हाँ और एक बार दर्शन करके आते हैं। जब आए तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को ने सही बात बताई, बोले गोस्वामी जी रात को आप घर हम चोरी करने आए थे, हैं लेकिन देखते आप घर में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने देखा आपका दो चेले हैं, बड़े सुंदर दो चेले आपकी घर की पहरादारी लगा रहे थे। वो दो चेले कहाँ हैं, जो श्याम रंग के गौर रंग के थे, धनुष लिए हुए, मुकुट पहने हुए थे, बड़े सुंदर अलंकार थे। जब गोस्वामी तुलसीदास इसकी वर्णना सुने ना, वो तो समझ गए मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे प्रभु मैंने तो कभी चेला बनाया नहीं। फिर उन्होंने चोर को प्यार में पड़ गए, बोले भैया तुमने चोरी करने के लिए आए तो ठाकुर का दर्शन कर लिया, और मैं भक्ति करते करते अभी ठाकुर का दर्शन नहीं कर पाया, तुम कितने भाग्यवान हो। इसलिए यहाँ पर कहते गुप्त रुते वर्णम तथा, मतलब है तीसरा जो शरणागति है, कहते भगवान हमें पालना करने वाले, ठाकुर जी हमें जरूर पालना करेंगे। जो एक चींटी से लेकर के हाथी तक जो पालना करते हैं, अगर उनका जो भक्ति करेगा ठाकुर जी उनको पालन नहीं करेंगे, ठाकुर जी जरूर पालन करेंगे। एक संत कथा सुना रहे थे, कभी एक समय अकाल होता है, अकाल में क्या होता है उस समय सब कुछ खाना पाना कुछ नहीं होता, लेकिन मंदिर में संत लोग भजन करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं भजन करते हैं। अभी अकाल पड़ा तो खाना पीना कहाँ से आएगा, ये दिन भर तो प्रभु का भक्ति हरिनाम करते ठाकुर का सेवा लग रहे पड़े हुए, और ठाकुर के ऊपर में पूर्ण विश्वास है, ठाकुर जी हम ठाकुर जी की शरण में हैं। खैर इतने में देखा एक व्यक्ति को आया, आकर के जो बक्स था ना, जो सोने की जो मोहर है, सोने की मोहर उसमें डाल के, जब उन्होंने पुजारी देखा इसमें सोने की मोहर कहाँ से आई, जो चौकीदार पूछे भैया यहाँ पर कौन आकर ये सोने की मोहर कौन डाल कर गए, बोले नहीं एक व्यक्ति कोई आया था के और आकर के वहां पर डाल कर गए हैं। बास ने सोने की मोहर लिए, उसको तोड़ करके इतने खाना लाए, इतने खाना लाए, कहते जब उसी से उन्होंने एक बार, उनको होता है ना कोई पात्र होता है जिसमें आटा रहता है, जो एक बार उसने भर गया वो कभी और खत्म नहीं होगा, उसी पैसा से खरीदी करके एक बार जब उसने डाला उसमें उसमें, और कभी भी कहते कभी जिंदगी भर तक वो पात्र कभी खाली नहीं रहता, जब निकालो उस समय बाहर उसमें आटा निकलता है। मतलब भगवान की शरण में जो रहते हैं, भक्ति में जो रहते हैं ना, भगवान स्वयं आकर के अपना व्यवस्था करके जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बताया था, बोले कोई चिंता मत करो, तुम लोग खूब भजन करो, है प्रभुपाद के खूब भजन करो, खूब भक्ति करो, अगर कोई यहाँ अभाव पड़ेगा ना, प्रभुपाद कहते मैं गोलोक वृंदावन से सोने की ईट ईट वहां से ले आऊंगा, प्रभुपाद के सोने के मैं ईट ले आऊंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। खूब आनंद से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तीन शरणागत सुने, धन्य आत्मनिवेदन कर, फिर और तीन सुनेंगे। कहते कहते जब तक ये शरणागति नहीं होगी ना, कहते तब तक वो जो भगवान महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जो वो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए आए थे, तो तब तक प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए महाप्रभु ने वो दुर्लभ ब्रज प्रेम को देने के लिए जीवों को ये शरणागति सिखा देते हैं। ठीक है, गौर कृष्ण चैतन्य शिव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 Yeah.
हरे हरे बोल।